हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 28 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का जो वीडियो है इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से लेट हो गया, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। आज के इस वीडियो का लाइक और शेयर का हम टारगेट रखते हैं 300। इसके अलावा आप सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि आप सभी लोग कम से कम आप अपने एक या दो दोस्तों को एग्ज़ाम फोरम यूट्यूब चैनल के बारे में बताएँ। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अल्फा कांडे ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल जीता है? तो हाल ही में अल्फा कांडे गिनी देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं गिनी देश के राष्ट्रपति अल्फा कांडे। गिनी देश जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, गिनी देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं इब्राहिम कसौरी फोफाना। गिनी देश की राजधानी है कोनाक्री। गिनी देश की मुद्रा है फ्रैंक। इसके अलावा हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्ति बैबल राम कलावन सेशल्स देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। साद अल हरीरी लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर दो है, हाल ही में नरेश कनोडिया का निधन हो गया है, आपको बताना कि नरेश कनोडिया कौन थे? नरेश कनोडिया जो कि गुजराती भाषी फिल्मों के एक मशहूर कलाकार थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं नरेश कनोडिया, जिनका 27 अक्टूबर को निधन हो गया है, और इससे दो दिन पहले इनके भाई महेश कनोडिया का 25 अक्टूबर को निधन हो गया था। क्वेश्चन नंबर तीन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटसी स्पोर्ट्स ने अपना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटसी स्पोर्ट्स ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है बिमल जुल्का को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटसी स्पोर्ट्स जो कि भारत के सभी गेमिंग ऐप कंपनियों का एक एसोसिएशन है, गेमिंग ऐप कंपनियाँ जैसे पेटीएम, फर्स्ट गेम, ड्रीम इलेवन, फन फाइट, माई इलेवन सर्किल, MPL, इन सभी कंपनियों का जो एसोसिएशन है उसका नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटसी स्पोर्ट्स, जिन्होंने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है बिमल जुल्का को। बिमल जुल्का जो कि वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। इसके अलावा कमल ज्ञान चंदानी को मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो कि भारत के सभी सिनेमाघर जैसे वेओ, सिनेपोलिस, आईनॉक्स, PVR, इन सभी का एक एसोसिएशन है। क्वेश्चन नंबर चार है, फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में किस भारतीय सार्वजनिक उपक्रम ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? यहाँ पर सार्वजनिक का मतलब है सरकारी से और उपक्रम का मतलब है कंपनी से। तो हाल ही में जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची जारी की गई है, इसमें भारत की सरकारी कंपनी NTPC नंबर 1 स्थान हासिल किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 की सूची में भारत में नंबर 1 सरकारी कंपनी है NTPC। NTPC जिसका पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC का मुख्यालय है नई दिल्ली। हाल ही में NTPC के CMD गुरदीप सिंह का कार्यकाल अगले 5 वर्षों के लिए वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है। अब हम समझते हैं कि सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता बेस्ट एम्प्लॉयर का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है किसी भी कंपनी के कर्मचारी उस कंपनी में कितना प्रसन्न है, वह कंपनी अपने कर्मचारियों के आर्थिक और मानसिक विकास के प्रति कितना उत्तरदायी है, और वह कंपनी अपने कर्मचारियों के उत्थान के प्रति कितना उत्तरदायी है। तो इन सभी मानकों पर एक लिस्ट जारी की गई है, जिसका नाम दिया गया है विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020, जिसमें भारत में सरकारी कंपनियों में नंबर 1 कंपनी है NTPC। अब आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन याद रखने हैं, कौन कौन से? इस लिस्ट के अनुसार भारत में प्राइवेट सेक्टर में नंबर 1 है HCL, जिसकी पूरी दुनिया में रैंक है 30। सरकारी क्षेत्र में नंबर 1 कंपनी है NTPC भारत में, जिसकी पूरी दुनिया में रैंक है 261। बैंकिंग सेक्टर में भारत में नंबर 1 है HDFC, जिसकी पूरी दुनिया में रैंक है 176। अगर बात की जाए कि वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 की सूची में पूरी दुनिया में ओवरऑल नंबर 1 कंपनी कौन है, तो वैश्विक
नंबर वन कंपनी है दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके हाल ही में अध्यक्ष ली कुन ही का निधन हो गया है। इस लिस्ट में दुनिया के 45 देशों के 750 कंपनियों की एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि कोई कंपनी अपने कर्मचारियों के इकोनॉमिक ग्रोथ, टैलेंट डेवलपमेंट, जेंडर इक्वालिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति कितना उत्तरदायी है, जिसमें भारत में प्राइवेट सेक्टर में नंबर वन है SCL, सरकारी क्षेत्र में नंबर वन है NTPC, बैंकिंग सेक्टर में नंबर वन है HDFC, जबकि पूरी दुनिया में नंबर वन कंपनी है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्तालाप किस शहर में संपन्न हुई है? तो हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्तालाप हुई है भारत की राजधानी नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। यहाँ पर जो तीसरा शब्द लिखा गया है इसका मतलब है पहली बार हुई थी 2018 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में, दूसरी बार 2019 में हुई अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में, और इस साल 2020 में ये तीसरी बैठक हुई है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अब हम इसका मतलब समझते हैं कि 2+2 का मतलब क्या है। 2+2 का मतलब यह है कि यह जो बैठक है दो मंत्रालयों के बीच होती है, भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय, भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रालय के बीच, यानी कि रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के बीच यह बैठक होती है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है 2+2 मंत्र स्त्री वार्तालाप। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं अमेरिका के रक्षा मंत्री Mark T. Esper, ये हैं अमेरिका देश के विदेश मंत्री Michael R. Pompeo, इधर भारत की तरफ से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारत के विदेश मंत्री Dr. S. Jaishankar। और इस बैठक में कई सारे समझौते हुए हैं, जिसमें एक समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका नाम है बी का समझौता, जिसका पूरा नाम है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेटियल कोऑपरेशन, भू स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता। बी का समझौता के बाद भारत और अमेरिका का जो डिफेंस मंत्रालय है एक दूसरे के डिफेंस सैटेलाइट के डाटा को यूज कर पाएंगे। वर्तमान में भारत में 200 अमेरिका के पास 208 डिफेंस सैटेलाइट हैं, जबकि भारत के पास सिर्फ 8 सैटेलाइट हैं। अब इस समझौते के बाद भारत और अमेरिका एक दूसरे के डिफेंस सैटेलाइट का डेटा आसानी से शेयर कर पाएंगे, एक दूसरे के पास साथ साझा कर पाएंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि बहुत ही आसानी भारत और अमेरिका के बीच ये पता चल जाएगा कि इन दो देशों का दुश्मन कहाँ पर है, दुश्मन का राडार कहाँ पर है, दुश्मन का जो हवाई जहाज है कहाँ पर है। तो इस समझौते के बाद भारत और अमेरिका के डिफेंस सेक्टर में बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है, और इस समझौता का नाम है बी का समझौता। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस बैंक ने श्रीलंका देश में अपना परिचालन बंद कर दिया है? तो हाल ही में भारत की ICICI बैंक ने श्रीलंका देश में अपना व्यापार बंद कर दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ICICI बैंक, जो कि भारत की एक प्राइवेट बैंक है जिसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र, ICICI बैंक के MD और CEO हैं संदीप बख्शी। श्रीलंका देश की राजधानी है श्री जयवर्धने पुरेकोट्टे, श्रीलंका देश के राष्ट्रपति हैं गोताबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले वार्षिक द्विपक्षीय नौ अभ्यास श्रीनेक्स 20 का आयोजन हुआ है श्रीलंका के त्रिकोमाली शहर में। एक दूसरी अभ्यास जिसका नाम है मित्र शक्ति, यह भी भारत और श्रीलंका के बीच कंडक्ट की जाती है। तो आपको दो मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम याद रखने हैं, श्रीनेक्स और मित्र शक्ति, ये दोनों एक्सरसाइज भारत श्रीलंका के साथ कंडक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इस प्रकार का निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। जिस प्रकार से लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस स्टेशन होता है, उसी प्रकार से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन खोलेगा। यही है इस क्वेश्चन का आंसर।
अब आपको उत्तर प्रदेश से 3-4 क्वेश्चन याद रखने हैं। हाल ही में महिला सुरक्षा और सम्मान के लिए मिशन शक्ति शुरू किया गया है यूपी सरकार के द्वारा। यूपी सरकार ने कोरोना वायरस के बचाव के लिए हाथ धोना कोरोना रोके कोरोना कैंपेन शुरू किया है। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की गई है। नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना शुरू की गई है। कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई है। तो ये जो सारी योजनाएँ हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में देश के किस राज्य ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना, जिसे हम कहते हैं पीएम स्वनिधि योजना, के तहत सबसे अधिक ऋण देकर प्रथम रैंक हासिल किया है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य ने सबसे अधिक ऋण देकर नंबर 1 स्थान हासिल किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इससे पहले प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना में नंबर 1 राज्य था मध्य प्रदेश, जो कि अब हो गया है दूसरा। अब आपको यहां से इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। इस योजना का नाम है पीएम स्वनिधि योजना, जिसका फुल फॉर्म है पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, जो कि आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अब हम समझते हैं कि इस योजना का मतलब क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि लॉकडाउन के चलते भारत के जितने भी रिहाड़ी पटरी यानी कि सड़क के किनारे वाले जो उद्योग थे, जैसे छोटे व्यापारी, सब्जी फल विक्रेता, पकौड़ा, चाय, कॉपी, कलम, इन सभी की जो रोजी रोटी है चली गई है। इन सब की रोजी रोटी को दोबारा से लाने के लिए, इन सब का व्यवसाय दोबारा से खड़ा करने के लिए भारत सरकार ने एक योजना शुरू किया, जिसका नाम है पीएम स्वनिधि योजना। इस योजना के तहत जितने भी सड़क के किनारे के व्यापारी हैं उन सभी को भारत सरकार 10,000 रुपये लोन देगा आसान किस्तों पर, जिससे कि ये सभी अपने व्यापार दोबारा से अपना धंधा शुरू कर सकें और इनकी जो रोजी रोटी है पटरी पर आ सके। यही है पीएम स्वनिधि योजना, जिसके तहत सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य ने लोन देकर नंबर 1 स्थान हासिल किया है। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना है, जिनमें नंबर 1 है राज्य उत्तर प्रदेश। कौन कौन से क्षेत्र? घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। पीएम स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार देने के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार उत्तर प्रदेश महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में नंबर 1 है। तो ये हैं कुछ क्वेश्चन जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश राज्य, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से, उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य की भी राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब आपको उत्तर प्रदेश से कुछ क्वेश्चन याद रखना है, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में भारत का सबसे बड़ा फिल्म सिटी बनाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट, जिसका दूसरा नाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, के संचालन, निर्माण तथा डिज़ाइन के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट के साथ समझौता किया है। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र खोला जाएगा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर हवाई अड्डा है, इसको केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम दे दिया है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पहला विश्वविद्यालय खोला जाएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। भारत का पहला जानवरों के लिए युद्ध स्मारक खोला गया है उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में। मेरठ शहर, जिसे हम स्पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय खोला जाएगा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में। तो ये हैं कुछ क्वेश्चन जो कि आपको उत्तर प्रदेश से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में लाइफ इन मिनिएचर परियोजना किस मंत्रालय ने शुरू किया है। तो हाल ही में लाइफ इन मिनिएचर परियोजना शुरू की गई है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम समझते हैं कि लाइफ इन मिनिएचर परियोजना का मतलब क्या है। तो लाइफ इन मिनिएचर परियोजना का मतलब है
गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ऐप के माध्यम से भारत का जो नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय है, यहाँ पर सभी उपलब्ध चित्र, रामायण, रॉयल पहाड़ी शैली, इन सभी का जो फोटो है गूगल के आर्ट्स एंड कल्चर ऐप पर अपलोड किया जाएगा, जिससे कि आसानी से पूरी दुनिया इन सभी को ऑनलाइन एक्सेस कर सके और ऑटोमेटेड रियलिटी का एक लुत्फ उठा सके। यही है लाइफ इन मिनिएचर परियोजना, जो कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। वर्तमान में भारत के केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन ध्यान देना है, प्रहलाद सिंह के नाम से दो मंत्री हैं, प्रहलाद सिंह पटेल जो कि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं, दूसरे हैं प्रहलाद जोशी जो कि वर्तमान में भारत के पार्लियामेंट्री अफेयर, संसदीय कार्य मंत्री, कोल और खादान मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सियोल शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो सियोल शांति पुरस्कार 2020 थॉमस बाक को दिया गया है, जो कि वर्तमान में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। सियोल शांति पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो सियोल जो कि दक्षिण कोरिया देश की राजधानी है, यहाँ पर 24वें समर ओलंपिक गेम 1988 में बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से कंडक्ट किए गए थे, जिसको यादगार बनाने के लिए दक्षिण कोरिया देश हर साल सियोल शांति पुरस्कार देता है। इस साल का जो सियोल शांति पुरस्कार है ये दिया गया है थॉमस बाक को, और पिछले साल 2019 का सियोल शांति पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं वर्तमान में थॉमस बाक, जो कि जर्मनी देश से हैं, इन्हीं को सियोल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं ओलंपिक खेलों की। 2020 के समर ओलंपिक खेल, जिनको कोरोना वायरस महामारी के कारण टाल दिया गया, ये अब अगले साल जापान की राजधानी टोक्यो में खेले जाएंगे। 2024 के समर ओलंपिक खेल फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और 2028 के समर ओलंपिक खेल अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में खेले जाएंगे। अगर बात की जाए विंटर यानी कि शीतकालीन खेलों की, तो 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेल चीन की राजधानी बीजिंग में, और 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेल इटली के मिलान और कोर्टिना शहरों में खेले जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य ने बीपीएल परिवारों के लिए वाईएसआर बीमा योजना शुरू किया, जिसका सही आंसर था आंध्र प्रदेश। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने